नमस्कार, आप सभी का हमारे इस शंका समाधान कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमेशा की तरह है, बच्चों की शंकाएं जो उनके विषयों के बारे में आ रही हैं दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत, उनको हम लेंगे। मेरे साथ आज गणित विशेषज्ञ के पहले पैनल में है रजनी गोयल मैडम हैं, ये गणित विशेषज्ञ हैं। रजनी मल्होत्रा मैडम हैं, ये भी गणित विशेषज्ञ हैं। मेरे दाई और राजेश जी हैं, ये गणित विशेषज्ञ हैं। और रमेश टाया जी, ये भी गणित विशेषज्ञ हैं। तो आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला सवाल आ रहा है, तो इस प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गणित विशेषज्ञ राजेश जी। राजेश जी इस प्रश्न का हल करेंगे। नमस्कार बच्चों, ये किसी बच्चे का एक प्रॉब्लम आई है कि घन और घनमूल के चैप्टर में से कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 128 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो हमारे पास संख्या दी हुई है 128, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड विधि द्वारा इसका पूर्ण घनमूल निकालने की कोशिश करेंगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं। तो अंतिम अंक इसका इकाई का सम है, तो ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 8, फिर अगेन 2 से फिर चला जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 9, फिर ये सम संख्या है, तो फिर ये 2 से चला जाए, 2 × 1 = 2, 1 बच गया, 2 उतर गया 12, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 8, 16। अब आगे 2 × 2 = 8, फिर 2 × 4, इस तरह से 128 के हमने ये फैक्टर्स बना दिए। यानी कि जो हमारी 128 संख्या है वो किसके बराबर है, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक सौ अट्ठाईस के हमने ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बना लिए, इसमें सभी 2 हैं। अब हम घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको ग्रुप्स ऑफ 3 बनाते हैं इनका, क्योंकि घन में एक जैसे 3 फैक्टर होने चाहिए। 2 का ग्रुप ऑफ 3 है, आगे भी ग्रुप ऑफ 3, ये एक अंतिम 2 हमारे पास बच गया, इसका ग्रुप ऑफ 3 नहीं बन रहा, यानी कि 3 का त्रियक नहीं बन रहा इसमें। तो अब ये अकेला है, भाग देने का मतलब है कि डिवाइड करना, यानी कि जो जिसका ग्रुप ऑफ 3 नहीं बन रहा उसको हटाना है। तो हम दोनों तरफ भाग करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि उधर गुणनखंडों में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 ज्यादा है, फालतू है। तो इस भाग करने का मतलब है डिवाइड करना, हमने 2 से भाग कर दिया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इधर 2 से भाग करेंगे तो 2 × 6 = 12, 64। अब ये 64 के ऐसी संख्या है कि जो पूर्ण घन है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ 3 पूरे बन रहे हैं, 1, 2 का, फिर आगे भी 2 का ग्रुप ऑफ 3, यानी 3 का त्रियक बन रहा इसमें। तो जो नई संख्या आई जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या चौसठ है। घनमूल जो नई संख्या आई है उसका क्या है, इन ग्रुप ऑफ 3 में 1, 2 लेंगे, इस ग्रुप ऑफ 3 में 1, 2 लेंगे, 2 × 4। अब घनमूल है, इसका घन निकालने के लिए हम 4 को 3 बार आपस में गुणा करके देखते हैं जांच के लिए, तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 = 16, फिर 4 से करेंगे तो 16 × 4 = 64, यानी कि वो संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा वह छोटी से छोटी संख्या, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या जिससे यहां मैं इसको यही ऊपर लिख देता हूं,
जिससे 128 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए, वह संख्या क्या है? दो आई हम, क्योंकि हमने यहाँ दो से भाग किया, इस दो को हटाया। भाग का मतलब हटाना या भाग, भाग यानी कि इस रकम से उसको आउट कर दो, भाग का दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये हमारा नया पूर्ण घन संख्या दे और उसका घन मूल दिया। इसमें एक बच्चे याद करने के लिए, जैसे घन में न शब्द है और तीन में भी न होता है, किसी भी संख्या का घन क्या होगा? यानी कि उस संख्या को आपस में हम उसी को तीन बार आपस में गुणा करें। जैसे इसमें चार था तो चार को चार चौक सोलह, चार चौक सोलह तीन बार, न को न से याद कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है, एक होता है घन, एक होता है घनमूल। एक नाम छोटा है, जब नाम छोटा है तो उत्तर बड़ा आएगा, और बड़ा नाम है तो उत्तर छोटा आएगा। घनमूल, इसको इंग्लिश में क्यूब रूट भी बोलते हैं। मूल यानी कि जड़, यानी कि उस घन की जड़ कहाँ है, किससे पैदा हुआ वो घन। तो इसमें जैसे 64 पूर्ण घन है तो ये चार से पैदा हुआ, और घन की डेफिनेशन क्या है कि उसी संख्या को आपस में तीन बार गुणा करना है। यहाँ मूल को रूट है, क्यूब रूट चार है, तो उसको चार को हमने आपस में तीन बार मल्टीप्लाई किया, इन चार चौक सोलह, चार चौक चौसठ, तो घन आ गया। तो जब नाम, ये भी याद कर सकते हैं आप, नाम छोटा है तो बड़ा आंसर आएगा, और बड़ा नाम हो तो छोटा आंसर आएगा, ताकि बच्चों को कॉन्फ्यूजन न रहे। अच्छा बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद राजेश जी, काफी अच्छे तरीके से आपने इसे समझाया, और अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और हमारा अगला प्रश्न भी गणित विषय से ही है, और इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं बच्चे द्वारा, और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विशेषज्ञ रमेश जी। रमेश जी इस प्रश्न का हल करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की हमारी जो संख्या है वो कक्षा 8 के अध्याय नंबर 7 में घन और घनमूल से लिया गया है। जो बच्चों ने पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। हमें यहाँ पे दो तीन बातें समझ ध्यान रखनी है कि हमें छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे अगर 243 को गुणा किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और उस प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। 243 को अगर हम गुणनखंड विधि से भाग करें, सबसे पहले 243 तीन से भाग होगा, दो से भाग नहीं होगा, क्योंकि 243 की इकाई का अंक सम संख्या नहीं है। और दो से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो सबसे छोटी प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए तीन से भाग किया। तीन से विभाज्यता का नियम हमने देखा, तीन और चार सात और दो नौ, इसलिए यह संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। तीन अठे चौबीस, तीन एकम तीन 81 आ गया। उसके बाद 8 और 1 9, फिर से 3 से भाग हो जाएगी, विभाज्यता का नियम पूरा हो रहा है। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 21 हो गया। 3 सत्ता 21, फिर 3 से भाग हो जाएगी, 3 नीम 27, फिर 3 से भाग हो जाएगी, 3 तिया 9, और 3 को फिर से भाग किया तो 3 एकम 3। इसका मतलब ये हुआ कि 243 जो है उसके हमने गुणनखंड बनाए, तो हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो है 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हमें पता है कि किसी पूर्ण संख्या, पूर्ण घन संख्या के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो उसका घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 3 के ग्रुप्स में हम उसके गुणनखंडों को लेते हैं। एक जैसे गुणनखंड का ग्रुप
तीन का होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दूसरा ग्रुप जो है वो तीन का नहीं है, यहाँ पे खाली स्थान है। तो इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन चाहिए। इसलिए छोटी से छोटी संख्या जो हमें ज्ञात करनी थी, छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई, वो आ गई बच्चों तीन। अगर हम 243 को तीन से गुणा करें तो वह पूर्ण घन संख्या क्या होगी, पूर्ण घन संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या होगी बच्चों, तीन से गुणा कर दो 243 को, 243 को तीन से गुणा किया, तीन तीन नौ, तीन चौके बारह का दो एक हासिल आ गया, तीन दूनी छह और एक सात, 729 वो संख्या प्राप्त हुई। और 729 का घनमूल अगर हम निकालेंगे, ये घनमूल का चिन्ह है, यहाँ पे तीन लिखते हैं इसमें, और ये बराबर होगा क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप बन गए तीन तीन के, तीन गुणा तीन बराबर नौ, जो क्या आया घनमूल आया 729 का घनमूल बराबर है नौ। आशा करता हूं सभी बच्चों को यह सवाल समझ आ गया होगा। धन्यवाद रमेश जी, आपने काफी विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को हल भी किया और कुछ तथ्य भी बताए जो बच्चों को अन्य प्रश्न इसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने में भी सहायक होंगे। तो मैं बच्चों से ये कहूंगा कि प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स के जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करेंगे उतनी ही ये समझ में आएगी। तो श्रोताओं, आज के लिए हमारे जो गणित विषय की शंकाएं हैं ये इतनी ही हैं। अब हम अपने अगले विषय की ओर चलते हैं। अगला विषय हमारा विज्ञान विषय, और विज्ञान विषय के लिए पहला जो प्रश्न आ रहा है, तो बच्चों मैंने जैसे आपको बोला था कि मोशनल ईएमएफ हमने डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया, तो उसकी एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप 10 सेंटीमीटर साइज का है, और ये लूप हमारा एक सर्किट से कनेक्टेड है जैसा डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में, इस पोर्शन में 3 ओम के रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लूप का जो रेजिस्टेंस है वो भी 1 ओम है, and this loop is moving with some velocity v naught. अब आपको ये find out करना है कि v naught velocity क्या होगी, what will be this v naught velocity when this loop is moving in a magnetic field of this one, so that it will produce 1 milliampere current in this loop. तो सबसे पहले तो आपको इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप इस पोर्शन को एनालाइज कीजिए ध्यान से। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, यहां पे करंट प्रोड्यूस हुआ, चाहे वो करंट पी से क्यू में एंटर हो या वो क्यू से एस जाए, सपोज ये आर होगा, तो P से R में एंटर हो करंट या Q से S में करंट एंटर हो, मेन पॉइंट ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस विल एक्ट एज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें करंट या तो S पॉइंट पे एंटर होगा या R पॉइंट से एंटर होगा, तो उस केस में ये वाला जो रेजिस्टेंस है 3 ओम का, जो AC के बीच में जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस है, एट बैलेंस कंडीशन ये आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यही कहेंगे कि एट बैलेंस्ड कंडीशन आर ए सी नेगलेक्टेड। अब यदि ये रेजिस्टेंस आपका नेगलेक्ट हो जाता है तो इसका बाकी रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे, लाइक ये रेजिस्टेंस अब यदि हमारा नेगलेक्ट हो गया है तो हमारे पास अब रेजिस्टेंस बचा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ आर एस ए आर विच इज योर 3 प्लस 3, दे आर इन
सीरीज, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसको आप मान लीजिए कि ये डिस्कनेक्ट हो गया, है ही नहीं यहाँ पे, तो ये पूरा रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, 3+3, 6 ओम। सिमिलरली रेजिस्टेंस SCR मींस दिस वन, ये दोनों भी सीरीज में हैं, 3+3, 6 ओम, एंड दीज बोथ आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो रेजिस्टेंस बिटवीन योर RS पॉइंट, बिटवीन द पॉइंट्स RS इज योर सम ऑफ दीज थ्री, दीज टू एंड दीज आर इन पैरेलल, तो पैरेलल के अकॉर्डिंग जब आप इसने दोनों को सॉल्व करोगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस बनेगा 3 ओम बिटवीन द टर्मिनल्स आर एंड एस, मीन्स इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस आपका 3 ओम आ रहा है। 1 ओम इस लूप का रेजिस्टेंस है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो यहां पे बन रहा है आपके पास, 3 ओम इस पोर्शन का रेजिस्टेंस, 1 ओम इस लूप का रेजिस्टेंस, टोटल आपके पास 3+1, 4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया इस सर्किट का। एज आ मेंशन इन द क्वेश्चन, दिस लूप इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी नॉट इन ए मैग्नेटिक फील्ड दिस, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जैसा अभी हमने मोशनल ईएमएफ में डिस्कस किया था, फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है, करंट हमें मेंशन है क्वेश्चन में। सो अकॉर्डिंग मोशनल ईएमएफ E is equal to BLV, अभी हमने find out किया, but हमारे question में V को V not लिखा गया है, तो हम V को V not से replace करेंगे, so यहाँ पे मैं V not लिख रहा हूँ। अब induced EMF की जगह current लिखना है हमें, क्योंकि current हमें mention है question में, तो V is equal to IR, V is equal to IR means I into R, R resistance of this complete circuit, तो IR is equal to BL V naught, we have to find out this V naught means IR upon BL from this relation, I is your 1 milliampere, milli means 10^-3 I की value, R means total resistance 4 ohm जो हमने find out किया था, B magnetic field is your 2 Wb/m², which is your SI unit. Length is your L, length. Length is your 10 cm. This square is of 10 cm. The length is your 10 cm. Convert this in SI system by dividing 100. इसे solve करेंगे आप like this. 2, ये 10 ऊपर जाएगा. 10^-2 रह जाएगी, मीन्स वी हैव 2 × 10^-2 m/s। इस वेलोसिटी से जब ये लूप मूव करेगा तो उसमें 1 mA की मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा और उसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है जैसा मैंने आपको दिखाया करके उस वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छे तरीके से आपने इसको विस्तार पूर्वक बताया और बच्चों को निश्चित ही समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे विज्ञान विषय के ही अगले प्रश्न की ओर। के लिए उत्तर के लिए आमंत्रित करूंगा मैं रश्मि मैम को। मैम रश्मि जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रश्मि शर्मा, पीजीटी बायोलॉजी, पोस्टेड नाउडेज एट गवर्नमेंट हाई स्कूल बिल्ला। तो बच्चों, ये 10th क्लास का लेसन है हमारा जैव प्रक्रम, और उसमें एक हिस्सा आता है
कि प्लांट्स में पादपों में किस तरह से जल परिवहन होता है, किस तरह से आप देखते हो आपने आसपास छोटा पौधा भी है, थोड़ी बड़ी हाइट का भी है, उससे ज्यादा बड़ी हाइट का भी है, ट्री है बहुत लंबे लंबे, तो किस तरह से जड़ों से पानी ऊपर प्लांट्स के ऊपर टॉप लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। सो वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और हमारा एक ये छोटा सा टॉपिक जो आज मैं ले रही हूँ, वाटर मूवमेंट अप इन प्लांट्स, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं समझाना चाहती हूँ बच्चों को, जब वाटर मूवमेंट अप इन प्लांट्स, इसके रिगार्डिंग बहुत साइंटिस्ट्स ने अपनी थ्योरी दी, दे आर वेरियस थ्योरीज एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस कि किस तरह से वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अप फ्रॉम रूट्स टू द अप लीव्स एट द टॉप, हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। सो सबसे जो वैलिड थ्योरी है, सबसे जो प्रचलित थ्योरी है, जो प्रूव की गई है कि ये वैलिड है और इसको एक्सप्लेन करती है, दैट इज कोहेजन एडहेजन। टेंशन थ्योरी, या हम इसको और एक नाम से भी है, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, सो ये थ्योरी दोनों वैलिड हैं और ये काफी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हैं, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, एंड दिस वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली इन ईयर 1894। सो ये प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया और इसके बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से जो वाटर है, दैट इज अपटुक बाय इज टेकन बाय प्लांट्स अप टू द टॉप। सो इसमें सबसे पहले ये टर्म्स आई हैं, दो मैंने लिखी हैं, कोहेजन और एडहेजन, तो इसको समझने की जरूरत है। कोहेजन क्या है, कोहेजन फोर्स क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन, एक वाटर मॉलिक्यूल है दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है उसको आपस में बांध कर रखना को क्या कहते हैं कोहेजन, और एडहेजन क्या है। सब बच्चों को इतना तो पता है कि वाटर अपटेक किसके द्वारा होती है, जाइलम, जाइलम की वेसल्स ट्रकीट्स। सो वेसल्स और ट्रकीट्स की वॉल के साथ पानी की अट्रैक्शन, पानी की बॉन्डिंग, वाटर मॉलिक्यूल का जुड़े रहना, उस फोर्स को क्या कहते हैं एडहेजन। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर आपस में हेल्प करती हैं इन अपटेक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। आई थिंक क्लियर है बच्चों को, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज कोहेजन और एडहेजन। कोहेजन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, जो एक अपना बॉन्ड बना के रखती हैं और वाटर कॉलम एक पूरा क्रिएट करते हैं और बंधा रहता है, दैट इज कोहेजन। और एडहेजन क्या है, अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ ट्रकीट्स एंड वेसल्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एडहेजन। सो दोनों ये मिलकर फोर्सेस काम करती हैं और हेल्प करती हैं पौधे को, प्लांट को, वाटर अपटेक में। नेक्स्ट आता है ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, मींस ट्रांसपीरेशन वर्ड। सब बच्चों को शायद ट्रांसपीरेशन भी पता है और हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन क्या है बच्चों, कि जो भी इस लीव्स के अंदर स्टोमेटा है, वैसे तो ट्रांसपीरेशन किसी से सरफेस से भी हो सकती है, क्यूटिकल से भी हो सकती है, स्टेम के सरफेस से भी थोड़ी बहुत होती है, बट मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन कहां से होती है, स्टोमेटा से। So, जो भी स्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर फॉर्म की वेपर फॉर्म में दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द प्लांट टू द आउट